पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की सरगर्मियां बहाल हो चुकी हैं मुकम्मल तौर पर, ना सही, लेकिन पहले वर्ल्ड 11, फिर श्रीलंका की टीम वन ऑफ T20 खेलने के लिए पाकिस्तान आई, फिर 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए वेस्ट इंडीज़ ने इस साल पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान सुपर लीग के पहले एडिशन के बाद आखिरी 3 एडिशन के फाइनल और आखिरी मैचेस का पाकिस्तान में होना एक खुशाइंद इंतजाम है। खुशी की खबर यह है कि श्रीलंकन सिक्योरिटी वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया है, लाहौर और कराची शहर में सिक्योरिटी के मामलात को देखा और हौसला अफजा रिपोर्ट सामने आई है और अब बॉल श्रीलंकन खिलाड़ियों के कोर्ट में है। कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि श्रीलंकन खिलाड़ी पाकिस्तान में टेस्ट मैच खेलने पर रजामंद हैं, लेकिन 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के लिए वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते और 1 टेस्ट मैच को पाकिस्तान में आकर खेलने पर रजामंद हैं। लेकिन पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से जो रिपोर्ट मुरतब की लाहौर और कराची के सिक्योरिटी माहौल को श्रीलंकन क्रिकेट ऑफिशियल्स ने देखा, उन्होंने सब कुछ अच्छा है की रिपोर्ट दी है और अब श्रीलंकन क्रिकेटर्स को फैसला करना है। इंतज़ार है श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आकर ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के 2 मैचों में शिरकत करती है या फिर 1 टेस्ट मैच पाकिस्तान में खेला जाता है। बहुत जल्द इसका फैसला होने वाला है।